अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक। आज हम डिस्कस करेंगे कम्युनिकेशन। कम्युनिकेशन को डिस्कस करने से पहले थोड़ा सी कम्युनिकेशन की इम्पोर्टेंस के बारे में समझ लेते हैं। कम्युनिकेशन किसी भी इदारे में, किसी भी फैमिली में, किसी भी सोसाइटी में, किसी भी जगह इट प्लेज अ ह्यूज रोल एंड इट हैज अ ह्यूज इम्पोर्टेंस। विदाउट प्रॉपर कम्युनिकेशन देयर मे बी अ लॉट ऑफ कॉन्फ्लिक्ट, क्लैशेस एंड मिसअंडरस्टैंडिंग बिटवीन द टू। ऑलराइट, तो कम्युनिकेशन की हर इदारे, अगर ऑर्गेनाइजेशनल कॉन्टेक्स्ट में हम बात करें कि कम्युनिकेशन within the organization is so important that it needs to be very clear so that your message can be communicated across the board with all clarity to avoid any rumors, misunderstanding, confusion or a clash so that a desired information may be passed to the receiver. All right, so let's move forward. Communication ke andar kuch discuss karenge, isko samajhne ki koshish karenge and what the purpose or functions of the communication that it serves और उसका प्रोसेस क्या है इसको समझेंगे। एंड व्हाट काइंड ऑफ नेचर ऑफ कम्युनिकेशन इट इज, इट मे बी इन फॉर्म ऑफ अपवर्ड कम्युनिकेशन और अ डाउनवर्ड कम्युनिकेशन, और वी नीड टू अंडरस्टैंड व्हाट इज द लेटरल कम्युनिकेशंस एंड देयर आर सर्टेन बैरियर्स व्हिच एक्चुअली बिकम्स इन द वे ऑफ द कम्युनिकेशंस। आई मीन देयर आर थिंग्स दैट यू नीड टू बी कंसीडर्ड व्हेन यू आर कम्युनिकेटिंग विद समवन so that you can effectively or purposefully communicate to other person. All right, फिर हम थोड़ा सा ये कोशिश करेंगे कि हम कम्युनिकेशन को किस तरीके से बेहतर बना सकते हैं। What are those methods or techniques या tools जिसके through हम अपनी कम्युनिकेशन को मजीद बेहतर बना सकते हैं। फिर कम्युनिकेशन के मुख्तलिफ फॉर्म्स भी होते हैं, लाइक वो भी हम समझेंगे किस तरीके के वो फॉर्म होते हैं। और समटाइम इट हैपेंस के आप वर्बल और नॉन वर्बल कम्युनिकेशन भी यूज करते हैं, तो उसको किस तरीके से यूज किया जाता है वो भी हम इस लेक्चर के अंदर समझने की कोशिश करेंगे। लेट्स मूव फॉरवर्ड। का मकसद जो है, बुनियादी पर्पस जो है, वो ये है कि अपना कोई भी मैसेज या इंफॉर्मेशन पास ऑन करना होता है टू द रिसीवर। रिसीवर कोई एक या एक से ज्यादा लोग भी हो सकते हैं। ऑलराइट, और कम्युनिकेशन का मकसद ये है कि किसी के हवाले से, लाइक अगर वो प्रोडक्ट रिलेटेड कम्युनिकेशन है, कोई कंपनी की पॉलिसीज एंड प्रोसीजर्स से रिलेटेड कोई कम्युनिकेशन है, कोई अगर हेल्थ एंड सेफ्टी एनवायरनमेंट से रिलेटेड कोई कम्युनिकेशन है, फ्रॉम एम्प्लॉयर टू द एम्प्लॉयज और फ्रॉम गवर्नमेंट टू द पब्लिक, तो ये कम्युनिकेशन कहलाती है। आई मीन देयर इज अ इंफॉर्मेशन और अ मैसेज टू बी सेंड टू द रिसीवर, ताकि उनको एक इंफॉर्मेशन पास ऑन की जाए। सबसे जो अहम फंक्शन है कम्युनिकेशन के क्या है कि कम्युनिकेशन के थ्रू जो है आप लोगों का बिहेवियर मॉडरेट कर सकते हैं, रेगुलेट कर सकते हैं। आई मीन व्हेन यू आर कम्युनिकेटिंग विद समवन एंड यू नीड टू मेक थिंग्स इंपरेटिव इन योर कम्युनिकेशन, के आपको फॉर एग्जाम्पल कोई एक्शन रिक्वायर्ड है, कोई रेस्पॉन्स रिक्वायर्ड है, तो यू कैन इजिली कम्युनिकेट टू अदर पर्सन और रिसीवर कि आप से फॉर इंस्टेंस इफ यू आर आस्किंग योर कोलीग कि आप जो है मुझे ये परफॉर्मेंस रिपोर्ट जनरेट करके दें, आप कोई फला मैसेज किसी को ट्रांसमिट कर दें, ये लाइक फॉर एग्जाम्पल अप्रेजल सिस्टम एग्जीक्यूट कर लें या सर्कुलर अनाउंस कर लें या डू दिस और डू दैट। ऑलराइट, तो एक्चुअली यू आर ट्राइंग टू रेगुलेट द बिहेवियर ऑफ अदर्स एज वेल थ्रू योर कम्युनिकेशंस। ऑलराइट, और इससे मोटिवेशन भी बढ़ती है, लाइक फोस्टर मोटिवेशन फॉर व्हाट इज टू बी डन। ऑलराइट, अगर फॉर एग्जाम्पल ऑर्गेनाइजेशनल कॉन्टेक्स्ट में बात कर रहे होते हैं, बहुत सारे लोग जो है जब बीइंग अ मैनेजर यू नीड टू गेट योर वर्क डन फ्रॉम योर सबॉर्डिनेट और कोलीग्स। ऑलराइट, तो लिहाजा आपको बाजू का ऐसे टारगेट्स भी आ जाते हैं जिसमें आपको देखना पड़ता है कि वेदर यू आर गेटिंग योर टारगेट और नॉट। ऑलराइट, अपने टारगेट्स को अचीव करने के लिए, अपने ऑब्जेक्टिव को अचीव करने के लिए, अपने गोल को अचीव करने के लिए बड़ा इंपॉर्टेंट है कि आप अपने टीम के साथ और सबॉर्डिनेट के साथ जो है अपनी क्लियर कम्युनिकेशन रखें, ताकि आप उनको बता सकें कि इस जो काम उनसे ले रहे हैं या जो आप काम उनसे करवा रहे हैं वो उसकी इंपॉर्टेंस क्या है, उसकी वैल्यू क्या है और उसका कंट्रीब्यूशन क्या है और उसकी क्यों जरूरत पड़ रही है, ताकि उनको मोटिवेशन भी आए, ताकि उनको पता हो, उनका उनको एहसास हो कि उनका जो कंट्रीब्यूशन है या उनकी तरफ से जो एफर्ट की जा रही है वो किसी एक खास मकसद और पर्पस को सर्व करने के लिए जा रहे हैं। तो नेचुरली जब आप कम्युनिकेट करते हैं और अपना काम करवाने की कोशिश करते हैं अपनी टीम के थ्रू, तो लिहाजा आपको ये मोटिवेट भी करना पड़ता है, इसी दौरान बाजू का आपको इंकरेजमेंट करना पड़ता है, अप्रिशिएट करना पड़ता है, उनको वे आउट बताना पड़ता है, आपको हेल्प आउट करना पड़ता है उनकी ट्रबल्स में। सो दिस इज ऑल एक्चुअली यू नो कम्युनिकेशन दैट हेल्प यू टू कीप योर एम्प्लॉइज मोटिवेटेड। ऑलराइट, अब उससे रिलेटेड कोई भी पॉजिटिव, कोई आपका इंट्रिंसिक रिवार्ड है या एक्सट्रिंसिक रिवार्ड है जिसको आप
अप्लाई कर सकते हैं टू गेट योर वर्क डन थ्रू योर सबॉर्डिनेट स्टाफ और टीम मेंबर. द वे यू एक्चुअली आर द मीडियम और द आई मीन टूल इज कम्युनिकेशन. वो कम्युनिकेशन ही है जिसके थ्रू आप अपनी चीजों को अच्छे तरीके से और ऐसे तरीके से करवा सकते हैं. प्रोवाइड रिलीज फॉर इमोशनल एक्सप्रेशंस. ऑलराइट, बाज़ूकात ऑर्गेनाइजेशन के अंदर मुख्तलिफ सिचुएशंस होती हैं. हर इंसान एज वी हैव ऑलरेडी डिस्कस एवरी पर्सन डज पजेस हिज और हर ओन इमोशंस फीलिंग्स एटीट्यूड बिहेवियर्स एंड ऑल दैट. और हर इंसान एक दूसरे से कुछ ना कुछ जो है वो अलग है. किसी के फीलिंग सेट अलग है, किसी का बिलीफ सिस्टम अलग है, किसी की प्रेफरेंस अलग है, किसी की प्रायोरिटीज अलग है. ऑलराइट, तो लिहाजा आपको ये जो कम्युनिकेशन है ये भी आपको एक टूल है या एक मीडियम है जिसके थ्रू आप अपनी चीजों को एक्सप्रेस कर सकते हैं और आप अपने सबॉर्डिनेट और कोलीग्स का एक्सप्रेशन एक्चुअली रिसीव कर सकते हैं. सम टाइम इट हैपेंस, अगर आप ऑर्गेनाइजेशन कॉन्टेक्स्ट में बात करेंगे, अर्ली इन द मॉर्निंग हमारे लाइक ऑर्गेनाइजेशन के अंदर एक बड़ा वाइब्रेंट बड़ा लाइक ऐसे वाइड स्प्रेड कल्चर कि अर्ली इन द मॉर्निंग बड़े कम लोग एम्प्लॉयज होते हैं जो बेसिकली वो एक्टिव मोड में होते हैं और दे आर लेस लाइकली टू एक्सेप्ट एनी काइंड ऑफ अ कमांड और रिक्वेस्ट फ्रॉम हिज सीनियर और यू नो कोलीग्स के भाई आप ये फलां काम कर दें. बिकॉज जब तक वो उनके लाइक दे गेट यू नो एनर्जाइज्ड विद द पैसेज ऑफ टाइम दे ऑलवेज टेक टाइम टू गेट एनर्जाइज्ड. ऑलराइट, तो अर्ली इन द मॉर्निंग से फॉर इंस्टेंस अगर आपकी ऑफिस टाइमिंग है 9 से 5 तो अगर आप 9 बजे ही किसी को लाइक सून आफ्टर हिज ज्वाइनिंग द ऑफिस आप उनको कोई काम कहेंगे तो उनका रिस्पॉन्स थोड़ा सा नेगेटिव आ सकता है. तो ऑफकोर्स तो उसमें भी आपको लाइक इट इज अ काइंड ऑफ अ कम्युनिकेशन दैट टेक प्लेस बिटवीन द सबॉर्डिनेट और अ टीम मेंबर एंड द बॉस और द colleague, actually it helps you to convey your expressions, your emotional expressions, whether you are ready to take on this task or you are not in a mood to take on this task, ताकि वो manager जो है, जो आपका head है, या head जो है, वो manage कर सके इस task को effectively अपने काम को achieve करने में, because it is a communication that is taking place between the two. Provide information needed to make a decision. Of course, जितनी भी information system है, वो base करता है, वो communication है, चाहे वो आपका verbal हो, non-verbal हो, through a graphical presentation ho, this is all about the communication that help you to take a decisions, because jo bhi communication jo bhi decision lene ke liye aapko information chahiye uske liye communication important hai. Ab information aapko financial information chahiye, aapko human resource information chahiye, technological upgradation chahiye, anything product information chahiye, market information chahiye, to har चीज के लिए आपकी एक कम्युनिकेशन जो है बड़ा रोल प्ले करती है. और अगर कहीं पे भी कोई इंफॉर्मेशन कहीं लेट डाउन है या कहीं पे इंफॉर्मेशन कोई डिफेक्टिव इंफॉर्मेशन है या इनअप्रोप्रिएट इंफॉर्मेशन या इनकम्प्लीट इंफॉर्मेशन है तो इट लिमिट्स यूर डिसीजन मेकिंग प्रोसेस और इट्स लिमिट्स यूर कैपेबिलिटी टू टेक अ इफेक्टिव एंड साउंड डिसीजन. नॉर्मली कम्युनिकेशन प्रोसेस जो एग्जिस्ट करता है या किसी भी इदारे के अंदर जब आप कम्युनिकेशन की बात करते हैं तो वो किस तरीके से मतलब एग्जीक्यूट होता है या किस तरीके से उस प्रोसेस वो अपना जो है शेप लेता है. वो जिस तरह आप इस पिक्चर में देख रहे हैं, इस ग्राफ में देख रहे हैं, हमेशा सेंडर या रिसीवर, सेंडर एक या एक से ज्यादा भी हो सकते हैं, इसी तरीके से रिसीवर एक या एक से ज्यादा भी हो सकते हैं. नॉर्मली होता क्या है, जो भी सेंडर होता है एक मैसेज जो है वो कोशिश करता है पास ऑन करने के लिए. ठीक है, उस मैसेज को आप इनकोड करते हो. लाइक फॉर एग्जांपल देयर आर मेनी मैसेज दैट यू टू एक्सप्लेन इट विद अ क्लियरिटी कि आप कौन सी बात क्या कहना चाह रहे हो. ऑलराइट, और फिर चैनल कौन से मतलब डायरेक्ट कम्युनिकेशन है, आप एम्प्लॉय को डायरेक्टली कम्युनिकेट कर रहे हो थ्रू ईमेल कर रहे हो, थ्रू टेलीफोनिक कन्वर्सेशन कर रहे हो, थ्रू मोबाइल फोन कर रहे हो, एनीथिंग, दिस इज एनीथिंग दैट यू नीड टू दैट यू आर सिलेक्टिंग दैट इज नोन एज अ मीडियम. ऑलराइट, then message received. Once you transmit your message and you know the receiver actually receive or hear that message or see that message is known as a message received, kyunki wo deliver ho chuka receiver ke paas, chahe aapne phone ke through, phone call ke through message convey kiya ya fir aapne kisi वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के थ्रू किया या किसी और मीडियम के थ्रू अगर आपने कोई मैसेज कन्वे किया और उसने देखा या उसने सुना तो इसका मतलब ये है कि उसने मैसेज रिसीव किया. अब मैसेज को वो बेसिकली इंटरप्रेट करेगा या डिकोड करेगा. ऑलराइट, दिस इज अ नॉर्मली फिनोमेना. सम टाइम इट हैपेंस आप किसी को फोन पे कॉल कर रहे होते हो, आप उनको बता रहे होते हो कि फॉर एग्जांपल आप जो है एम्प्लॉयमेंट डेटा आपको चाहिए, तो सम टाइम यू नो यू 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 से सर व्हाट यू सेड
एंड यू इंक्वायर फर्दर इंक्वायर डिटेल्स। समटाइम इस तरह होता है कि आपको टेलीफोन जो है डिस्टॉर्शन का शिकार होता है, या समटाइम आपको डल आवाज महसूस होती है, तो वो बेसिकली आप उनसे जब रिक्वेस्ट करते हैं फॉर द यू नो रिकन्फर्मेशन, तो वो फीडबैक कहलाता है। मीन्स वेदर यू आर गेटिंग मैसेज प्रॉपरली और नॉट, एंड इट इज रिफ्लेक्टेड थ्रू यूर बिहेवियर। वेन यू आर इंक्वायरिंग अगेन, दैट मीन्स मैसेज इज नॉट बींग प्रॉपरली conveyed and there is something distortion that taking place actually hamper the quality of message communication. All right, so wo ek feedback usko hum kehte hain feedback, ki aap ek feedback, continuous feedback aap unko de rahe ho, whether you are getting the message properly as it is desired or as it is intended or not, to usko hum kehte hain feedback. फिर इसके अंदर जो पार्ट्स हमने जिस तरह पढ़े कि कौन कौन से इंपॉर्टेंट और की पार्ट्स होते हैं कम्युनिकेशन प्रोसेस के, लाइक जिस तरह मैंने बताया, सेंडर एक इनिशिएट करता है मैसेज, एनकोड मैसेज जो है उसको ट्रांसलेट कर किया जाता है। एनकोडिंग का मतलब ये है ट्रांसलेटिंग थ्रू ट्रांसलेटिंग थॉट टू द मैसेज, जो भी आप फील करते हो, जो बात कर रहे होते हो, व्हेन यू आर सेइंग समथिंग दैट इज एक्चुअली एनकोडिंग द मैसेज, व्हाट इज कम्युनिकेटेड, व्हाट इज एक्चुअली यू आर टॉकिंग अबाउट इज अ मैसेज। ऑलराइट, एंड चैनल कोई भी मीडियम जिसके थ्रू आप कम्युनिकेट कर पा रहे हो या अपनी बात को वहां तक पहुंचा पा रहे हो। डिकोडिंग, रिसीवर्स एक्शन इन मेकिंग सेंस ऑफ अ मैसेज, रिसीवर पर्सन हु गेट्स द मैसेज, एंड नॉइज मींस देयर इज एनीथिंग इंटरफेरेंस टेकिंग प्लेस, चाहे वो बैकग्राउंड नॉइज हो या आपके टेलीफोन कनेक्शन की डिस्टॉर्शन हो, एनीथिंग इज नोन एज अ नॉइज। एंड फीडबैक इज अ रिटर्न मैसेज रिगार्डिंग द इनिशियल कम्युनिकेशन। ऑलराइट, समटाइम यू से ओके सर आई गॉट इट and I will bring the report as per your set timing, so that means you have given a positive feedback and you have confirmed that message is clearly and effectively communicated to you. All right, medium selected by the sender through which the message travels to the receiver, isko hum channel kehte hain. Aur channel kis tarah ke hote hain, bazuka ye formal bhi hote hain, informal bhi channel hote hain. Jis tarike se maine example liya ki whether you are taking a phone call, you are calling someone to convey the message, and sometime you are writing a memo or a letter or an intimation letter or an email to the receiver, that is known as a formal mode of communication. Aap koi circular de rahe ho, koi aap like notices sab kar rahe ho, to this is always known as a formal communication. Formal communication ka matlab ye hai jisko hum like for example like established you know established form of communication, and sometimes it happens ki jab aap leave application apply kar rahe hote hain, या आपको लाइक फॉर एग्जांपल लोन फैसिलिटी चाहिए, या आपको कोई फॉर एग्जांपल और चीज आपको कम्युनिकेट करनी है, कोई भी मतलब विद रेस्पेक्ट टू योर टर्म्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट और योर वर्किंग एनवायरनमेंट, कोई चीज आप कम्युनिकेट करना चाह रहे हैं ऑफिशियली टू योर सीनियर वंस, तो यू ऑलवेज यूज मेमोज, ऑलराइट, लेटर्स एंड रिक्वेस्ट, रिक्विजिशंस, कोई चीज परचेज करना चाह रहे हैं तो रिक्विजिशंस आप जनरेट कर रहे होते हैं, दैट इज नोन एज अ फॉर्मल you know channel of a communication where you are actually following the set protocol and you know code of communication or you know set protocols to communicate your seniors or colleagues or subordinates. All right, informal communication always take place within the organization because this is very unlikely for the organization to keep their communication 100% formal, because it's a very true, without informal structure of a communication, eventually communication become dead. क्योंकि बहुत सारी ऐसी information होती है जिसकी वजह से आप memo या लेटर जो है नहीं यूज कर रहे होते, यू एक्चुअली यूजेस टेलीफोन इनफॉर्मल कन्वर्सेशंस, यू सेट अ मीटिंग, यू गो टू द अदर रूम अदर ऑफिसेस विद अदर कुलीग ऑफिस, और आप उनसे मुख्तलिफ चीजों को डिस्कस कर रहे होते हैं, सॉर्ट आउट कर रहे होते हैं, और इसी चीज को क्लोज डाउन करते हैं। ऑफ कोर्स व्हेन यू डू समथिंग इनफॉर्मली एंड जब आप किसी कंसेंसस पे किसी डिसीजन पे पहुंच जाते हैं, देन लेटर ऑन यू एक्चुअली कन्वर्ट टू द फॉर्मल शेप, कि आपने कोई मीटिंग के अंदर कोई एजेंडा डिस्कस किया, उसके अंदर कोई हमने डिसीजन पॉइंट्स को आपने फाइनलाइज किया है बिटवीन द टू एंड ऑल, ऑलराइट, तो फिर उसको आप कन्वर्ट करते हो ऑन द पेपर डॉक्यूमेंट और जो भी आपका डिफाइंड कोड ऑफ कम्युनिकेशन है या प्रोटोकॉल ऑफ कम्युनिकेशन है विद इन द ऑर्गेनाइजेशन, तो हम उसको इनफॉर्मल कम्युनिकेशन कहते हैं। इनफॉर्मल कम्युनिकेशन ये भी होती है कि लाइक ग्रेपवाइन इज ऑल्सो फॉर्म ऑफ इनफॉर्मल कम्युनिकेशन, जहां पे मुख्तलिफ कंपनियों की इन्फॉर्मेशन ट्रिकल डाउन होती है टू द डाउन द लाइन स्टाफ। अब उसके अंदर फॉर एग्जाम्पल मैनेजमेंट एटीट्यूड है, मैनेजमेंट इंटेंशन है, मैनेजमेंट प्लानिंग है, मैनेजमेंट फ्यूचर प्लान्स हैं, या मैनेजमेंट एक्शंस हैं, या मैनेजमेंट रिसेंटमेंट्स हैं, जो भी चीजें हैं, बाजू का समटाइम इट हैपेंस मैनेजर यूजेस दिस इनफॉर्मल
चैनल ऑफ कम्युनिकेशन टू कन्वे द मैसेज टू द डाउन द लाइन स्टाफ. से फॉर इंस्टेंस अगर कहीं किसी कंपनी के अंदर किसी स्पेसिफिक डिपार्टमेंट लाइक प्रोडक्शन डिपार्टमेंट में एब्सेंटिज्म बढ़ रहा है, तो व्हेन इट इज रियलाइज्ड बाय द मैनेजमेंट थ्रू एचआर डिपार्टमेंट, देन मैनेजमेंट कैन एक्चुअली कन्वे द सिग्नल टू द प्रोडक्शन डिपार्टमेंट के यू नीड टू बी लिटिल मोर कॉन्शियस बिकॉज इन अपकमिंग डेज देयर माइट बी सम सॉर्ट ऑफ अ मोर स्ट्रिक्ट एक्शन एक्सपेक्टेड फ्रॉम द मैनेजमेंट ऑन द higher absenteeism or a turnover rate from a particular production department. All right, so these are the kind of signals or a kind of informal communication is intended to basically make someone alert and informed and to make someone, you know, to ready for a little more corrective action that is required or desired by the management. All right, in normally mukhlif organization mein informal code or informal protocol of communication bahut use hota hai, especially when there is a good relationship between the department managers. So this is informal protocol of communication is normally and highly used within the organization. All right, वर्टिकल कम्युनिकेशन एंड हॉरिजॉन्टल कम्युनिकेशन है, ये जो भी है लाइक दो ही तरीके. वर्टिकल का मतलब वर्टिकल कम्युनिकेशन एक हॉरिजॉन्टल कम्युनिकेशन होती है. वर्टिकल चाहे वो यू नो वर्टिकल कम्युनिकेशन फ्रॉम टॉप टू बॉटम हो या बॉटम टू टॉप हो, वो वर्टिकल कम्युनिकेशन ही कहलाती है. वेदर सीईओ इज कम्युनिकेटिंग एनीथिंग टू द डाउन द लाइन स्टाफ और डाउन द लाइन स्टाफ इज कम्युनिकेटिंग अप टू द सीईओ थ्रू देयर चैनल ऑफ कोर्स, दिस इज नोन एज अ vertical form of a communication. And then horizontal form of communication is when different departmental heads are communicating to each other, like divisional head maintain communication with the other divisional head, departmental head are communicating with other departmental head, is known as a horizontal communication. Lateral communication is a kind of a thing. This is horizontal communication is also known as a lateral communication. All right, reducing rumors. I mean, communications is so important that actually helps you to convey your all sort of a messages, like if you are talking about like shift timing and lunch timing, prayer timing, all right, office resumption time, office closing time, all right, different decisions and policies are being initiated by the management, and can also communication helps you to communicate to helps you to take your message all along with the desired objective to the receiver. All right, and emphasize the downside as well as you through your communication you actually communicate all the things with regard to your decisions or policies being deployed or implemented within the organization, and you can actually help subordinate or employees to understand the genuine purpose of the policies or the SOP being announced by the organization. All right, what is pros and cons and what is the positive and negative side of this that particular policies. And for that matter of fact, communication helps you to communicate openly. I mean, you need to discuss everything openly to your employees or your organizational staff, because if things remain unspoken, it will cause more confusion and rumors within the organization. So communication is a tool. When you maintain it effectively with your coordinate, with your staff within the organization, with your subordinates, with your team members, with your colleagues, so it helps you to reduce rumors and avoid any sort of misunderstanding and confusion between the team. Now it also depends the way it is being communicated. I mean, there are normally barriers which are actually become in the way of effective communication. I mean, filtering means any sender actually manipulates the information. Actually, he wants to convey his message as per his own wish. All right, I mean, the way he want to communicate the message and the way he wants to actually the way he wants to actually receive or perceive that message is known as a filtering. I mean, this is a kind of a manipulation that a sender actually uses while communicating to others so that a desired message can be received by the receiver. All right, selective perception, again, it's a kind of a barrier. I mean, when you are communicating to someone, it again depends how receiver actually taking the message. I mean, this is a kind of a selective perception. Actually, person who
who is a receiver will always try to focus on that kind of information which actually best suit to their interest. So this is known as a selective perception. It is sometimes not necessary what you are communicating actually being clearly understood by the receiver because of the selective perception or selective perception of the receiver. I mean, he is the kind of attention he is paying to the message. I mean, the portion, how much he is paying attention to the whole communication. There is highly likely chances that the receiver pay attention to certain portion of communication in which he actually takes interest. And left other communication, other message, out of his focus. So he might not be able to get the message clearly or completely because of the selective perception issue. Now, information overload is a kind of a thing when you are communicating. I mean, communicating limitlessly. I mean, that there is a capacity. There is a capacity. Har insaan ki capacity hoti hai. Har ek message ko receive ya absorb karne ki capacity hoti hai. You need to find out ke har insaan ki kya kya capacity aapke staff ko hai. For example, let's take an example of kisi educational institution ki aap le class hoti hai. Class ke andar baz waqt ek ghanta, aadha ghanta, do ghante, teen ghante ki class hoti hai. Aur sometimes workshops hote hain kisi. Agar aap coaching aur training centers ko dekhen to wo full day ke workshops bhi ho rahe hote hain. All right. तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट है जब आप इस तरीके से कोई चीज कम्युनिकेट कर रहे हैं यू नीड टू असेस के उसकी कैपेसिटी इंफॉर्मेशन की क्या है एब्जॉर्ब करने की किसी भी रिसीवर की. अगर किसी की कैपेसिटी 2 घंटे है तो अगर आप उसको 4 और 5 घंटे से एंगेज किए चले जा रहे हैं एंड यू आर एक्चुअली कंटिन्यूसली सेंडिंग अ काइंड ऑफ इंफॉर्मेशन टू द पर्सन हु डजंट पजेस दैट मच कैपेबिलिटी टू एब्जॉर्ब दैट इंफॉर्मेशन कंप्लीटली तो नेचुरली जो उसकी कैपेसिटी है सोचने की समझने की या सुनने की सलाहियत जो है उससे अगर चीजें ज्यादा होंगी तो नेचुरली वो फिर उसके फोकस से चीजें हट जाएंगी और वो पूरी कम्युनिकेशन को ऊपर फोकस कर ही नहीं सकता. वो सिर्फ और सिर्फ उस मखसूस हिस्से को फोकस कर सकता है जहां तक उसकी कैपेसिटी एग्जिस्ट करती है. तो लिहाजा हमें कम्युनिकेशन के अंदर ये बड़ा इंपॉर्टेंट है जब आप कम्युनिकेट करें तो ये भी इंपॉर्टेंट है कि रिसीवर की कैपेसिटी ऑफ एब्जॉर्प्शन ऑफ द कम्युनिकेशन है कितनी. यू नीड टू फाइंड आउट दैट एज वेल. इमोशंस दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट अगेन कि आप जब भी किसी के साथ कम्युनिकेट करें इदारे के अंदर चाहे वो आपके कुलीग हो आपके सबॉर्डिनेट हो आपके सीनियर हो तो ये आपके लिए बड़ा इंपॉर्टेंट है कि किसी की इमोशनल स्टेट को फाइंड आउट करें कि वो किस मूड में है किस इमोशनल स्टेट में है. समटाइम इट हैपेंस के जब इदारे के अंदर ये होता है कि आपके लाइक फॉर एग्जांपल अगर मैं बात करूँ हर किसी के घर के इश्यूज होते हैं घरेलू मसले होते हैं अपने पर्सनल इश्यूज होते हैं जिसमें मुख्तलिफ इमोशनल स्टेट बाज़ोकात डिस्टर्ब होती है और यू फील समटाइम annoyed when something happen other than your routine or aapke ghar se koi khuda na khasa aapke ghar mein koi jhagda ho gaya bacche se koi jhagda ho gaya school ka issue fees ka issue electricity bills ke issue gas ke issues there are many hundreds of issues actually does exist which actually causes you to become emotionally charged or emotionally disturbed. तो आप उसी दौरान जब आप ऑर्गेनाइजेशन में जाते हैं बैड मूड लेके और बैड इमोशन और सेट इमोशंस के साथ इदारे में आप जब जाते हैं और अपनी सीट पे बैठते हैं काम करने की कोशिश करते हैं तो वो सारी चीजें आपके दिमाग में चल रही होती हैं जो आप चाहते हुए भी उस चीजों को अपने दिमाग से अलग नहीं अपनी सोच से अलग नहीं कर सकते. तो लिहाजा जब आप इस तरह का मूड या इमोशन लेके जब आप ऑफिस की चेयर पे बैठते हैं और अगर आपका बॉस आपको उस दौरान कोई काम कह देता है कुछ ऐसा कह देता है जो बड़ा इंपॉर्टेंट और अर्जेंट होता है और आपका बॉस इस चीज को रियलाइज नहीं कर पाता है कि आपका इमोशनल स्टेट क्या है इस वक्त तो आप नेचुरली उसके अंदर जो है बड़ा प्रॉब्लम हो जाएगा. जो आपका बॉस या आपका सुपरवाइजर आपको कह रहा होगा आप बेसिकली मेंटली एब्सेंट होंगे आप उन चीजों पर फोकस ही नहीं कर पा रहे होंगे कि आपके बॉस ने आपसे क्या कहा. और फिर होता ये है कि जब आप चीजें जो है अनअटेंटिवली सुन रहे होते हैं या आप सिर्फ देख रहे होते हैं लेकिन आपका दिमाग कहीं और हो रहा होता है तो फिर होता क्या है कि कुछ चीजें आपकी मेमोरी में स्टोर हो जाती हैं कुछ चीजें आपकी स्किप हो जाती हैं. तो अक्सर इस दौरान क्या होता है जब आप चीजें कोई एक रिपोर्ट अगर आपसे मांगी जाती है तो आप अक्सर उनमें से कुछ चीजें मिस आउट कर जाते हो क्योंकि उस दौरान आपने उन चीजों को पे फोकस ही नहीं किया. यू आर एक्चुअली एंगेज्ड और यू आर इन्वॉल्व तो उस दौरान इसके बड़े चांसेस होते हैं कि जो कम्युनिकेशन के अंदर कुछ चीजें आप एब्जॉर्ब ना कर पाए मेमोरी में स्टोर ना कर पाए और लिहाजा आपसे कुछ गलतियां मुतवक्क होती हैं
और जिसकी वजह से आपकी परफॉर्मेंस भी अफेक्ट होती है और आपका इंप्रेशन और इमेज भी सुपरवाइजर के सामने खराब होता है। ऑन द अदर साइड, ये सुपरवाइजर और हेड ऑफ द डिपार्टमेंट की भी जिम्मेदारी है कि जब वो किसी तरह का काम अपने सबॉर्डिनेट्स या कुलीग से लेना चाह रहे हैं तो कोशिश करें कि हमेशा स्टार्ट एक अच्छे जेस्चर से हो, एक अच्छी कम्युनिकेशन से हो, हेलो हाय हो, एक दूसरे सरे का जो है हाल चाल पूछना बड़ा इंपॉर्टेंट है कि दिन का आगाज कैसे हुआ, कल रात का वक्त कैसा गुजरा, ताकि उससे आपको कुछ सिग्नल्स मिलते हैं कि जो एम्प्लॉय अभी इस वक्त आपके साथ ऑफिस में तो बैठा हुआ है, वेदर ही वेंट थ्रू सम सॉर्ट ऑफ अ शॉकिंग मूवमेंट इन द लास्ट नाइट और वेदर ही व्हेन ही वाज कमिंग टू द ऑफिस इन द अर्ली मॉर्निंग यू नो ही माइट हैव सम सॉर्ट ऑफ सम ट्रबल इन द वे टू वर्क। हो सकता है उसका एक्सीडेंट हो चुका हो, मतलब कहीं पे उसकी कोई मुंह मारी हुई हो, कहीं पे सिग्नल पे उसका चालान हुआ हो, या कुछ भी बहुत सारे वजूहात हो सकती हैं। तो लिहाजा दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर मैनेजर एंड सुपरवाइजर टू मेक श्योर कि जब आप किसी के साथ अर्ली इन द मॉर्निंग करते हैं, पहले तो हमेशा एक अच्छे तरीके से चीयर्स करें आप उनको, और आप उनके साथ एक अच्छी मतलब स्माइलिंग फेस के साथ उनसे हेलो हाय करें, उनका हालचाल पूछें, और फिर उनके साथ जो है रफ्ता रफ्ता काम की बात करें, ताकि अगर उनके साथ कोई प्रॉब्लम हुई भी होगी, अगर किसी शॉकिंग सिचुएशन में होगा भी वो, तो जब आप उनके साथ हालचाल पूछेंगे तो आप बेसिकली उसको एंगेज कर रहे होंगे, और जब आप किसी को एंगेज कर रहे होते हैं तो आप उसको एक पर्टिकुलर माइंड सेट में या पर्टिकुलर स्टेट ऑफ माइंड से निकाल के दूसरी स्टेट ऑफ माइंड में लेके आ रहे होते हैं, और आप कोशिश करते हैं कि जब आप, और उससे उससे फायदा क्या होता है कि जब वो एक्चुअल जिस स्टेट ऑफ माइंड में आपकी डिजायर है कि वो आए ताकि वो आपकी बात में फोकस कर सके, वो आ चुका होता है, क्योंकि आपने उनको ड्राइव आउट किया है फ्रॉम द यू नो हिज और हर ओरिजिनल स्टेट ऑफ माइंड। तो लिहाजा जब आप किसी के साथ कम्युनिकेट करें तो कोशिश करें कि आप उसको इस तरीके से ड्राइव आउट करें कि वो अपनी एग्जिस्टिंग स्टेट ऑफ माइंड से निकल के दूसरे स्टेट ऑफ माइंड में आए। लैंग्वेज है, लैंग्वेज बड़ा इंपॉर्टेंट है, देखना पड़ता है व्हेन यू आर डीलिंग विद समवन, यू नीड टू बी वेरी केयरफुल ऑन दिस लैंग्वेज एंड यूज ऑफ वर्ड्स। बम्बार्डमेंट भी नहीं होनी चाहिए आपकी कम्युनिकेशन के अंदर, कम्युनिकेशन के अंदर लैंग्वेज बिल्कुल सिंपल, सादा, अंडरस्टैंडेबल और कम्युनिकेटेबल भी होनी चाहिए, और उसमें इस बात का एहसास होना चाहिए कि जो आप बात कर रहे हो तो वो इतना कॉमन हो कि अगले बंदे को किसी तरह की डिक्शनरी या किस तरह की कोई लुगत उठा के देखना या रेफरेंस लेना ना पड़े कि आपने जो टर्म यूज किया है या आपने कोई इस तरह की लैंग्वेज यूज की है जिसकी वजह से उसको समझने में प्रॉब्लम आई है। तो इसलिए लिहाजा ये तो इनफैक्ट हमारा कानून भी यही है, दिस इज लॉ ऑफ द लैंड विद इन द पाकिस्तान दैट इन द ऑफिसेस और एनी काइंड ऑफ अ फॉर्मल कम्युनिकेशन इफ यू आर टेकिंग इफ इट इज टेकिंग प्लेस विद इन द यू नो पाकिस्तान, तो या तो आप एक ऑफिशियल लैंग्वेज है या आपकी नेशनल लैंग्वेज है। ऑफिशियल लैंग्वेज हमारी जो है वो इंग्लिश है और नेशनल लैंग्वेज हमारी है उर्दू, तो लिहाजा ज्यादातर वो और वो कॉमनली स्पोकन भी है एंड वाइडली स्पोकन एंड अंडरस्टूड विद इन द पाकिस्तान। सो लिहाजा आपको कोशिश करनी चाहिए कि जो भी लैंग्वेज करें वो वाइडली अंडरस्टैंडेबल हो फ्रॉम द एम्प्लॉयज पर्सपेक्टिव। ऑलराइट, कम्युनिकेशन अप्रिहेंशंस अननेसेसरी, उसके अंदर जो है ना लाइक टेंशन या कोई ड्राइव क्रिएट करने की कम्युनिकेशन, वेदर इट मे बी द फॉर्म इन द फॉर्म ऑफ रिटन कम्युनिकेशन और ओरल कम्युनिकेशन। ऑलराइट, किसी भी तरह की कोशिश करें कि जब भी आप कम्युनिकेट करें, भले ही कितनी सख्त बात आप करना चाह रहे हो, लेकिन उसको बड़ा पोलाइटली अंदाज से करें, ताकि उसका एक इम्पेक्ट ये आता है कि जब आप अननेसेसरी एक एंजाइटी, एक टेंशन, एक फॉर्म ऑफ अ क्लेश कम्युनिकेट कर रहे होते हैं विद इन योर कम्युनिकेशन, तो उससे चीजें जो बेहतर होना होती हैं वो भी एक्चुअली बिगड़ जाती हैं, क्योंकि यू नेवर नो के जो पढ़ने वाला है उस मैसेज को वो उसको किस तरीके से इंटरप्रेट करे। अगेन इट्स यू नो बेस्ड ऑन द सिलेक्टिव परसेप्शन, हो सकता है वो बाकी आपकी अच्छी बातों को शायद मिस आउट कर जाए, लेकिन आपकी एक उस नेगेटिव बात को जिस पे आपने मतलब ज्यादा लाइक हो सकता है वो उस पे ज्यादा फोकस कर ले, जिस बात को आपकी नजर में शायद वो इतनी अहम नहीं है, लेकिन हो सकता है वो उसके पर्सपेक्टिव में अहम हो। तो लिहाजा फॉर एग्जाम्पल समटाइम्स ये बड़ा कॉमन होता है कि प्लीज एक्सपीडाइट एज रिक्वेस्टेड, व्हेन यू आर सेइंग लाइक व्हेन यू आर यूजिंग दिस काइंड ऑफ वर्ड्स इन योर कम्युनिकेशन, प्लीज एक्सपीडाइट, प्लीज डू एज सून एज पॉसिबल, मतलब दैट मींस एक्चुअली यू आर मेकिंग समवन इन अ ऑकवर्ड सिचुएशन। आई मीन व्हेन यू आर आस्किंग समवन टू डू समथिंग क्विकली, दैट मींस यू आर एक्चुअली trying to highlight that it is it is fear that you may not be able or you will not be able to do it as per desired time,
if I'm not saying like this, all right? तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट होता है. व्हाइल कम्युनिकेटिंग विद अनदर यू नीड टू अंडरस्टैंड द इंपैक्ट ऑफ योर वर्ड्स एंड लैंग्वेज दैट यू आर यूजिंग इन अ वर्बल एंड नॉन वर्बल लैंग्वेज. ऑलराइट, जेंडर डिफरेंस, फर्स्ट ऑफ ऑल यू नीड टू बी वेरी पोलाइट इन ऑल फॉर्म ऑफ अ कम्युनिकेशन. ऑलराइट, मतलब ये आपके लिए बड़ा इंपॉर्टेंट है समझना. आई मीन वी आर लिविंग इन द 21st सेंचुरी एंड दिस इज अ एज ऑफ इंफॉर्मेशन. ऑलराइट, एंड आई मीन यहाँ पे एम्प्लॉयमेंट एम्प्लॉयज जो हैं, जो एम्प्लॉयज पर्सपेक्टिव है, इज क्वाइट चेंज नाउ. एंड द सो एंड द सेम इज द सिचुएशन विद द मैनेजमेंट पर्सपेक्टिव. आई मीन वी बोथ, आई मीन मैनेजमेंट एंड द एम्प्लॉय पर्सपेक्टिव आर चेंज, आर यू नो आर हैव बिकम मोर मॉडरेटेड मॉडरेटिंग देन ओवर द पास्ट फ्यू ईयर्स. ऑलराइट, तो लिहाजा अभी जो कंपनी लाइक जो जेंडर डिफरेंसेस है, लाइक मेल एंड फीमेल है, व्हेन यू आर टॉकिंग टू अ फीमेल यू नीड टू बी वेरी पोलाइट, वेरी वेरी सॉफ्ट, ताकि उनको किसी किस्म की ऑफर नहीं है. अभी तो इनफेक्ट वर्क प्लेस हरासमेंट के इश्यूज भी बहुत आने लगे हैं, बिकॉज व्हेन यू आर क्राइंग ऑन अ वुमन और अ लेडी विद इन द वर्क प्लेस आर एनी वेयर, दैट इज एक्चुअली यू आर एक्चुअली इन्वाइटिंग यू नो लीगल एक्शन अगेंस्ट यू. ऑलराइट, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है इन चीजों को समझना. मतलब जब आप किसी फीमेल या खातून के साथ बात करें तो यू नीड टू बी वेरी पोलाइट, यू नीड टू टॉक इन अ वेरी लो टोन और वेरी सिंपल स्ट्रेट फॉरवर्ड एंड वेरी सिंपैथेटिकली. ऑलराइट, और इसी तरीके से क्योंकि ये बड़ा एक हमारे मतलब आई मीन when we talk about this part of world in the south asia especially in pakistan yahan pe male dominated society hai to basically male are attributed as an aggressive people in this pakistan. All right, they try to project their position, they try to influence others, matlab they always tend to influence the ladies especially or a woman working in the place. All right, just to make sure that I mean just to have some sort of a you know to satisfy their player circuit rather. So, lihaza, you need to be very careful when you are talking to someone, especially when it comes to the gender issue. When you are talking to other ladies or females within the workplace or outside your workplace, you need to be very careful on this because there are legal repercussions as well. All right? Politically correct. It should be. I mean, so concerned with being inoffensive that meaning and simplicity are lost. All right? Free expression is in a weak position. So, I mean, you need to be very clear on this. I mean, it should be politically, ideologically, your communication should be correct. I mean, you are not supposed to, you know, make any offensive statement against anyone. अब इन चीजों को कैसे हम कर लें? I mean, मैं फिर कोशिश करता हूँ उसको explain करने की. Like for example, these are the different, like हमने discuss किया कि मुख्तलिफ channels होते हैं, communication की importance क्या है और communication के अंदर normally barriers किस तरीके से आते हैं. Now हम अपनी कम्युनिकेशन को किस तरीके से बेहतर बना सकते हैं. दिस इज अ वेरी फेमस सेवन सीज ऑफ इफेक्टिव कम्युनिकेशन. व्हेन यू कम्युनिकेट, वेदर इट इज अ ओरल और अवर यू नो नॉन ओरल, मींस वर्बल और नॉन वर्बल, डायरेक्ट और इनफॉर्मल, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट, फॉर्मल और इनफॉर्मल, एनी फॉर्म ऑफ कम्युनिकेशन व्हिच इज टेकिंग प्लेस, यू नीड टू मेक श्योर दैट यू आर फॉलोइंग अ सेवन सीज, जिसके अंदर क्या है, योर कम्युनिकेशन शुड बी क्लियर एंड इट शुड बी करेक्ट एंड योर मैसेज शुड बी कंप्लीट. अब कंप्लीट किस तरीके से होगा कि मतलब यू कैन फॉलो द 5W1H स्ट्रेटजी, यू नो व्हाट, व्हेन, वेयर, हु एंड हाउ, यू नो स्ट्रेटजी इज टू मेक योर मैसेज मोर कंप्लीट, इट विल हेल्प यू टू कंप्लीट योर मैसेज वेरी इफेक्टिवली. ऑलराइट, कंक्रीट होनी चाहिए चीजें. मतलब ऐसा नहीं होना चाहिए कि मतलब यू डोंट नीड टू बीट अबाउट द बुश. ऑलराइट, यू नीड टू बी कम्युनिकेट विद फैक्ट्स एंड फिगर्स. अगर कहीं पे ग्राफिकल प्रेजेंटेशन देने की जरूरत है, कहीं पे चार्ट देना है, कहीं पे एक्सेल डेटा देना है, आई मीन न्यूमेरिकल डेटा देना है, यू नीड टू मेक इट टू द पॉइंट. ऑलराइट, कंक्रीट इंफॉर्मेशन होनी चाहिए, कंसाइज, ट्राई टू बी सी वेयर यू कैन इम्प्रूव दैट. ऑलराइट, एंड ट्राई टू हैव अ फोकस ऑन द मैसेज रादर देन यू नो राइटिंग ऑन द स्टोरीज. आई मीन यू नीड टू बी यू नीड टू मेक points clear to the messages. I mean your all kind of you know format or a you know content or the body of a message should be you know focused on the message, chahe wo uske andar numerical data ho, graphical data ho, ya uske andar subject summary ho, kuch bhi ho, wo proper message ke upar focus ho. You need to be polite in your communication, as I already explained, you need to be very courteous irrespective ke kitni hi aggravating situation kyun na ho, kitni hi tenseful situation kyun na ho, especially when you are writing a memos, emails or whatever the case may be, you need to be very very polite.
ठीक है, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। जब वेन यू आर कम्युनिकेटिंग, चाहे आपका उसके साथ कितनी भी लेवल की कोई लाइक गर्जिस हो या यू हैव अ डिफरेंस ऑफ ओपिनियन व्हिच इज वेरी सीवियर इन नेचर, बट यू नीड टू बी वेरी यू नो पोलाइट इन योर कम्युनिकेशन, स्पेशली वेन यू आर इन अ रिटन कम्युनिकेशन, एंड इट शुड बी क्लियर। ऑलराइट, नाउ जिस तरह मैंने अगेन एक्सप्लेन कर रहा हूँ कि वर्बल कम्युनिकेशन एंड नॉन वर्बल, नॉन वर्बल के अंदर लाइक वर्बल में ओरल, वर्बल कम्युनिकेशन में ओरल भी होती है, लाइक फॉर एग्जाम्पल लाइक स्पोकन व्हेन यू आर सेइंग समथिंग, व्हेन एज आई एम स्पीकिंग इट्स अ ओरल कम्युनिकेशन। ऑलराइट, एंड समटाइम्स यू डू नॉट यूज वर्ड्स, समटाइम्स यू नीड समथिंग यू नो वॉइसेस, आई मीन सिग्नल्स, एंड दीज आर ऑल्सो काइंड ऑफ ओरल कम्युनिकेशन बट एज अ नॉन, इन द फॉर्म ऑफ नॉन वर्बल कम्युनिकेशन वेयर यू डोंट एक्चुअली यूज वर्ड, जस्ट लाइक क्राइंग, जस्ट लाइक लाफिंग, जस्ट लाइक कफिंग, जस्ट लाइक यू नो नॉन ओरल written languages, all right, and sign languages, this is a non-oral where you don't use any sort of spoken words, and then body languages, that is a non-verbal, all right, and non-verbal oral as well, body language, signaling, you know, you uses your different sides on as a matter of fact in this kind of communications, all right. So ye verbal aur non-verbal communication ke bare mein bhi thoda important tha aapko explain karne ke liye, karna ke kis tarike se aap mukhtalif, like when you are especially doing presentation, sometime it happens ke ye overlapping bhi ho rahe hote hain, aur sometime it happens ke you need to be focus on that. So I mean in the form of communication you need to apply different kind of strategies, tools, as we just explained in the presentation, all right. So thank you very much, this is the end of the chapter, or inshallah we will be discussing another topic in the next session. Thank you so much.